आईसीसी सनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय अमौर की दो पंचायतों में आरसीसी पुल निर्माण का शिलान्यास किशनगंज लोकसभा सांसद असरारुल हक कासमी ने फीता काट कर किया। सांसद कोष से निर्मित होने वाले पुल तरौना घाट और अंधांग के अधकल घाट है, जहां पुल के अभाव में वहां के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। पुल के शिलान्यास की घोषणा सुनकर हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर सांसद असरारुल हक कासमी को धन्यवाद किया। दूसरी ओर रोटा से डहुआ बाड़ी जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क मार्ग का शिलान्यास भी सांसद महोदय ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बैसा सांसद प्रतिनिधि शमशाद आलम, अमौर सांसद प्रतिनिधि एहरार आलम, तकसीर आलम, जैनुल असरारुल जिला परिषद मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो पैदा करते हैं उसका अगर हमको मुनासिब दाम मिले तो उस मुनासिब दाम का नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते हैं इस दुनिया पर। हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि सड़कें और पुल बनाने पर हम पूरी तवज्जो करें। सुना कि आपको सुनकर खुशी होगी, 2014 का जो फिर आप लोगों ने दोबारा सुना है, पहले 2009 में आप लोगों ने सुना था, उस वक्त भी काम हुआ उसकी रिपोर्ट। और ये आशा की जाती है कि इस पुल के निर्माण से यहाँ के हजारों लोगों को खूब फायदा पहुंचेगा, उन्हें आवागमन। आजादी के बाद से वो लोग चाह रहे थे कि हमारे पास सड़क हो, इस बार हम लोगों ने सड़क दिया है, काम भी शुरू करा दिया है उसका, तो उस सड़क का इस्तेमाल जाएगा। महानंदा बेसिन का हाल में और कोई शिलान्यास कार्यक्रम है आपका? अभी तो हमारा कई शिलान्यास कार्यक्रम है, कल भी है, परसों भी है, करते रहेंगे। लेकिन इतनी बात यह है कि अमौर के अंदर हमने 30 सड़कें दी हैं इस बार 2014 से 2018 तक। जो प्रधानमंत्री रोड हम लाए, प्रधानमंत्री रोड हम 164 लाए हैं, 2 अरब 20 लाख का है, लेकिन उसमें से 30 सड़क 44 करोड़ रुपए का अमौर को दिया है। और जो 92 पुल लाए हैं, 92 पुल में से 21 पुल अमौर को दिया है। महानंदा बेसिन का अभी तक प्रोजेक्ट नहीं उतर पाया था, महानंदा बेसिन का सर्वे चल रहा है। असल में इस गवर्नमेंट ने आगे पैसा रोक दिया था, अब फिर दोबारा हम लोग बहुत पार्लियामेंट में मसले को उठाया, अभी चल रहा है सर्वे। उधर ये दूसरा फेज है, अभी दूसरा फेज का काम चल रहा है, उसका सर्वे चल रहा है, और इसके बाद मुकम्मल हो जाएगा।